नमस्ते, मैं कल्पना शाह। आज मैं लहंगा के ऊपर ब्राइड को किस तरह से दुपट्टा पहना जाता है उसके नए नए स्टाइल दिखाऊंगी। आज मैं आपको स्क्वायर पल्लू ब्राइडल लुक में कैसे पहनना है वो दिखाऊंगी। पहले तो आपको प्लीट्स लेना है जो हमेशा अपन लेते हैं, पिन से क्लिप से आपकी प्लीट सिक्योर हो जाती है और इधर उधर हिलती नहीं है। उसको और कंटिन्यू करेंगे, इसको क्लिप करके मैं राइट शोल्डर पे लूँगी। तो आपने पहले दुपट्टे के छोटे प्लीट्स बनाए, फिर आपने उसको क्लिप से सिक्योर करें, इंटैक्ट रहे जिससे, उसके बाद उसको राइट शोल्डर पर आपने लाके इस तरह से डाल दिया है। डाल दिया। तो कल्पना जी, ये पिन थोड़ा पीछे क्यों लगाई जाती है? पीछे लगाने से साड़ी आपकी जो पल्लू का वेट है वो बराबर रहता है, इसलिए मैं पीछे लगाती हूँ। और उसके बाद हम एक पिन आगे की तरफ ब्लाउज के साथ लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो दुपट्टा ड्रेपिंग स्टाइल है ये स्क्वायर में है और इसको इस साइड लिया जाएगा, इसीलिए इसको सिक्योर करने के लिए यहाँ पर पिन लगाई जाती है। पिन लगाना है, एक ऐसा लेना है और इसको इस तरह से आपको फोल्ड करना है, इसके अंदर से पिन लेना है। ये पिन लगाने के बाद आप इस सब प्लीट्स को सेट करके और एक पिन इसी के ऊपर लगाना है। ये आपको ये स्क्वायर लुक हो गया। इसके बाद इसी को भी एक पिन और लगाना है। तो देखिए, ये पूरा स्क्वायर लुक हो गया आपका, और इसको आप पीछे से टक कर सकते हैं। देखिए, और यहाँ एक आप पिन डाल सकते हैं या टक कर सकते हैं। इसके बाद ये जो पीछे का रिमेनिंग पार्ट है उसको आप सेट करना है। ये आपकी प्लीट्स अगर बिखरी हो जाती है तो आप इसको एक पिन भी डाल सकते हैं। इसको खुला छोड़ के, सेट करके आप छोड़ दो और पूरा लेयर सब दिखा सकते हैं। देखिए, ये स्क्वायर पल्लू बनाने से आपकी ज्वेलरी कितनी अच्छी दिख रही है। और ये इंडो वेस्टर्न लुक है तो आप इसको अपनी कॉकटेल पार्टी में या फिर रिसेप्शन में भी ट्राई कर सकती हैं। और स्पेशली ये जो लुक है ये बहुत ग्रेसफुल लगता है, रॉयल लगता है। थैंक यू सो मच कल्पना जी। वेलकम।